अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम असरत, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी दवा जो हर तरह के धातु रोग को दूर करेगी। अगर किसी को टाइमिंग की कमी है, यानी जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है, उसको भी दूर करेगी। इसके साथ साथ में जिनको उत्तेजना कम आती है, जिसको आप नपुंसकता या नामर्दी भी कह सकते हैं, इसको भी दूर करेगी। एक ऐसी सिंपल सी दवा मैं आपको बताऊंगा, बल्कि दवा क्या, उसको तुखम बोलते हैं या आप उसको बीज कह सकते हैं। एक बीज होते हैं जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, और उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा आपको वो बीज, किस तरह के वो बीज होते हैं, ताकि आप उसकी पहचान कर सकें और फिर उनको इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि ये आप स्क्रीन पर हैं, इनको तुखम, उठांगन या अटकन भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका फेमस नाम है वो है उठांगन। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाना से आसानी से मिल जाते हैं, ये आपको लेने होते हैं, इसकी आप पहचान कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा तुखम, उठांगन किस तरह के होते हैं, आपने इसकी पहचान कर ली, और इसको आप तुकाम उटांगन के नाम से किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाना से ले सकते हैं। बात करें इसके फ़ायदे के बारे में, तुकाम उटांगन के फ़ायदे के बारे में, उटांगन एक ऐसा बीज है, ये बहुत सी दवाओं में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आप इसको सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो आपको फ़ायदे मिलते हैं वो है नामर्दी या नपुंसकता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है वो है शीघ्र पतन को दूर करता है। शीघ्र पतन उसको कहते हैं जिनको सेक्स में टाइम कम लगता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगला जो फ़ायदा है वो है हर तरह के धातु रोग को ये दूर करता है। धातु रोग यानी वीर्य का पतलापन होने के बाद ही ये धातु रोग की समस्या होती है, और ये धातु रोग कई तरह के हो सकते हैं। यानी बहुत से लोगों को ऐसा होता है पेशाब के साथ में मिलकर जाता है, उसमें महसूस नहीं होता। इसके अलावा बहुत से लोगों को सपंदो जिसको कहते हैं, या उसको नाइटफॉल कहते हैं, इस तरह की भी जो समस्या होती है इसको भी धातु रोग कहते हैं। इसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका अगला जो फ़ायदा है वो है रक्तमणि, यानी वीर्य के साथ अगर किसी को खून जाता है, ये कई वजह होती हैं इसकी। बहुत से लोगों को ये शिकायत गर्मी की वजह से हो जाती है, या अधिक सेक्स करने से, या कुछ गलत आदतें करने से, यानी ज़्यादा वीर्य अगर किसी ने नष्ट कर लिया है तो उनको भी ये शिकायत आ जाती है, यानी वीर्य के साथ खून जाने लगता है। उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसका अगला जो फ़ायदा है वो है गुर्दे को मजबूत करता है। जिनको पेशाब की समस्या है, बार बार जिनको पेशाब आता है, उसके लिए भी इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये धातु रोग की हर तरह की समस्या को दूर करता है, या पेशाब से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है उसको भी ये दूर करता है, या आपकी टाइमिंग को भी बढ़ाता है, और आपकी नामर्दी की जो शिकायत है उसको भी ख़त्म करता है। तो इस तरह से तुखम उटांगन एक बहुत ही पावरफुल दवा के तौर पर काम आता है। आप चाहें तो इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इसको यूज करेंगे, क्या इसका तरीका है और क्या इसकी डोज होती है। उससे पहले मैं बता दूँ इसके बदल के बारे में। बदल यानी अगर आपको तुखम उटांगन नहीं मिलता है तो इसके बदले आप भूफली इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दवा का कोई ना कोई बदल होता है, इसका बदल भूफली है। बात करें इसके नुकसान के बारे में, हालांकि कोई ख़ास इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके नुकसान को दूर करने के लिए आप इनके अंदर मिश्री मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे जो डाइजेशन की भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो मिश्री मिलाने से या खांड मिलाने से ये समस्या भी दूर हो जाती है। इसलिए आप इनको अगर इस्तेमाल करें तो मिश्री मिलाकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरह से नहीं होता। बात करें इनकी डोज की, जब आपने इनका पाउडर तैयार कर लिया और मिश्री वगैरह इनके अंदर मिला लिया,
अगर आप सिंगल इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी खुराक 2 से 3 ग्राम होती है, लेकिन अगर आप इनके अंदर बराबर की खांड या मिश्री मिलाते हैं तो आप इनको सुबह शाम 5-5 ग्राम ले सकते हैं। इनको आप दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही मामूली सी कीमत की दवा है, किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाना से आप इनको खरीद सकते हैं और ख़ुद से आप इनको तैयार कर सकते हैं और हर तरह के धातु रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी तुकम उटांगन के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।